हेलो गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि नो कॉपीराइट जो सॉन्ग होता है या जो म्यूजिक होता है वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो मेरे वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको मतलब यूज करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आप जो भी आप वीडियो यूट्यूब में अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई भी सॉन्ग में मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने जो सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है आपको क्या करना है, अपने कॉपीराइट या जो भी आपको सॉन्ग लेना है या सॉन्ग आप यूज करना चाहते हैं वो आपको यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फेसबुक ओपन कर लेना है, तभी फेसबुक यूज़ करता है, ठीक है। तो आपको फेसबुक ओपन करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से चले जाना क्रिएट स्टोरी के ऊपर। देन यहाँ पर देखेंगे तो म्यूज़िक का ऑप्शन आता है ऊपर में, तो आपको म्यूज़िक में चले जाना है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा म्यूज़िक देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर और किसी भी जगह पर, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी आपको लेना कैसे ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्लिक करेंगे तो ये तो दोस्तों आपका तो लिंक भी कॉपी नहीं होगा, कहीं से भी डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप अगर देखेंगे तो अभी जो हमारा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, तो आपको पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है मीडिया में देखे, ठीक है। यहाँ पर मीडिया माइक आता है और आपको जस्ट मीडिया में देना है। इसमें से क्या होगा, कोई भी बाहर का नॉइस वगैरह नहीं आता है, जो आपका जस्ट मीडिया में जो बजेगा या मीडिया में जो सुनाई देगा वही यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है, जो वीडियो के रूप में। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर सॉन्ग अच्छा लगेगा वो सॉन्ग को आपको पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेना है। देन आपको यहाँ से क्या करना है, प्ले कर लेना है। जैसे अगर यहाँ पर जैसे ये वाला मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉन्ग जो अभी यहाँ पर बज रहा है, तो यहाँ पर जो सॉन्ग है वो 30 सेकंड का होगा, तो आपको प्ले कर लेना है। देन यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको यहाँ से जितना सारा सॉन्ग अच्छा लगेगा आपको डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद आपको सर्च में चले जाना है। यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे नो कॉपीराइट सॉन्ग, तो यहाँ पर नो कॉपीराइट सॉन्ग आ जाएगा, जस्ट यहाँ से आपको डन कर देना है। देखेंगे तो ये जितना सारा ये सॉन्ग है, अगर आपको यहाँ से कोई भी मीम्स चाहिए तो मीम्स भी आप लिख सकते हैं, डायलॉग देना है तो डायलॉग भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर फनी चीज़ चाहिए वही आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फ़नी, ओके, तो यहाँ पर राइट करता हूँ तो देख सकते हैं ये जितना सारा ये सब का सब फनी है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से लेके कुछ इस तरह से आपको इसके रिकॉर्डिंग करके ले लेना है। देन ये काम आपका हो गया। अभी हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है दोस्तों आपको चले जाना यूट्यूब में। YouTube ओपन करने के बाद सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो YouTube ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में चले जाना है। देन आपको यहाँ से लिखना है नो कॉपीराइट म्यूजिक बैकग्राउंड, नहीं तो आप सॉन्ग भी ले सकते हैं, नो कॉपीराइट सॉन्ग, ओके। तो जस्ट आपको ले लेना है। देने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको चले जाना यहाँ पर थ्री डॉट में। देन यहाँ से आपको चले जाना फिल्टर के ऑप्शन में, जो सर्च फिल्टर आता है, और यहाँ से आपको कर लेना है क्रिएटिविटी कॉमन्स, ठीक है। देन आपको यहाँ से कर लेना है अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये जितना सारा आप म्यूजिक देख रहे हैं, ये जितना सारा म्यूजिक आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, ये सब के सब एकदम नो कॉपीराइट, मतलब कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आप जैसे यूट्यूब में देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी दिन में आपका कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। आपका वीडियो चलता रहेगा नो कॉपीराइट म्यूजिक या नो कॉपीराइट सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ से ले लेना है। देन लेना कैसे है, आपको थ्री डॉट यहाँ पर साइड में मिल जाएगा, चले जाना है। यहाँ पर आ जाएगा शेयर का ऑप्शन, शेयर में चले जाना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे तो कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है इस सॉन्ग को। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ पर आपको लिखना है जो है दोस्तों यूट्यूब MP3 सॉन्ग डाउनलोड। जैसे लिखेंगे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, अभी मैं जो आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये वाला वेबसाइट में विजिट कर लेना, बस उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ही आपको सॉन्ग को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। अभी हम बात करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया फेसबुक से जो है आपने वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड किया था उसको आपको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको चले जाना है आप जहाँ से वीडियो को बना रहे या एडिट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट ओपन करूँगा, इंसर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर चला जाऊँगा वीडियो का ऑप्शन में। दोस्तों यहाँ से ऐड करने के बाद अभी इसका सॉन्ग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सॉन्ग मुझे बेकार लगता है, तो इसीलिए मैं इस सॉन्ग को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग लगाना है, तो सॉन्ग लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस साइड में आ जाना है, मिल जाएगा देख सकते हैं म्यूजिक का ऑप्शन, तो म्यूजिक में चले जाना है। देन यहाँ पर देखेंगे तो म्यूजिक प्लस आता है, तो आपको चले जाना है। देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट
ऑडियो फ्रॉम वीडियो, मतलब आपने जो वीडियो बनाया था उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्लिक करना है इसके ऊपर। तो मान के चलिए यहाँ पर मैंने दो चार ऐसे वीडियो जो सॉन्ग है, तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग को लिया था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ से राइट कर देंगे। जैसे राइट कर देंगे ऑटोमेटिकली सॉन्ग आ जाएगा, वीडियो तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर सॉन्ग आपका ऐड हो गया। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद जो सॉन्ग में आप सोच रहे कि नहीं इसमें कॉपीराइट आ सकता है, तो आपको क्या करना है, 3.9 कुछ इस तरह से देखेंगे तो नीचे आपका दिख रहा है 3.9 आपको इतना सा रखना है इस सॉन्ग को, जितना सा फनी है वो रख सकता है। देन यहाँ से आपको कर लेना है स्प्लिट और इस पार्ट को आपको कर देना है डिलीट। देन ये वाला पार्ट आपका हो गया। अभी आपको थोड़ा सा छड़ मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ से आ जाना है। देन इतना सा आ जाने के बाद फिर से आपको प्लस करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है और वो जो सॉन्ग है उसका आपको उस जगह से, और दूसरा वाला आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, उसको भी आपको कुछ इस तरह से देख के यहाँ पर देना है। देन यहाँ से स्प्लिट करके ये ऐसे करके जो है आप यहाँ से नो कॉपीराइट सॉन्ग को भी बना सकते हैं। अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हैं तो YouTube में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जैसे आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ से सेव करके आपको अपने वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसको आप किसी भी जगह पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरह से अपने सॉन्ग डाउनलोड करेंगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आप किसी भी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। बट गाइस आपको एडिट कुछ इस तरह से कर लेना, थोड़ा सा मेहनत है बट और कुछ नहीं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।